family आ रही है, friends, few friends. और just देखते हैं क्या होता है. Very excited, looking forward. Hopefully I won't miss it. I'll come in a minute. Looking forward, Humpty Sharma, Varun, Alia. I think they have great romantic chemistry and it's a light comedy film. So looking for a lot of fun. देखते हैं Humpty Sharma की दुल्हनिया बनती है कि नहीं बनती. So quite excited and looking forward to the film. मुझे आलिया का गाना बहुत पसंद है. उसने काफी अच्छी तरह गाया. हमें पता था पहले गा सकती थी वो. But I think it's very exciting कि उसने पूरा गाना playback singing में गाया है, unplugged version. And then Varun Dhawan's moves in Saturday. मेरी अभी गाड़ी में वही बज रहा था. So looking forward to the songs and the film, guys. ये मेरे childhood friend की film है, वारुण की film है और आलिया की film है. तो मैं बहुत excited हूँ. Promos बहुत cute है and I'm hoping, I have a really good feeling about this movie. I think it's going to be a lot of fun and it's going to be a really cute film. I really love it. It's she's got a really sweet voice and it's great. I think that हम सब ये try करें to sing for our own films. I think it's great. Humpty Sharma कल release होने वाली है, बस हम सब पूरा team बहुत excited है. मैं ऊपर जाने वाला हूँ. मैं अब आसारे screening हमारे शुरू हुए हैं. मीडिया भी आज देख रही है, सारे हमारे दोस्त और परिवार फ्रेंड्स सब आए हैं. तो आई एम गोइंग आउट, वेरी एक्साइटेड टू सी द रिस्पांस. शशांक सुल्तान की पहली पिक्चर है, डेब्यू डायरेक्टर है. वरुण और आलिया ने अपने जी जान लगा दिया इस पिक्चर में. प्रेम कहानी है, भरपूर प्रेम कहानी है. एंड आई एम बस होपिंग दैट द ऑडियंस गिव्स इट ऑल द लव दैट द फिल्म इज सो फुल ऑफ. मैंने अभी पढ़ा एंड आई फील सैड भी है, बहुत सैड है कि जब भी कोई इतना सारा टैलेंट जिनके अंदर होता है वो गुजर जाते हैं. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी सैड मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा. लेकिन खुशी की बात ये भी होनी चाहिए कि 102 की उम्र में जोरा जी पास्ट वे, लीविंग सच अ ग्लोरियस लेगेसी. तो एक होता है कि बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी इतनी वास्ट रेपर्टोर ऑफ वर्क होती है. एंड आई थिंक इट हैज़ टू बी अपलॉडेड कि ट्रूली, जैसे कहते हैं कि ट्रू लिविंग लेजेंड अगर कोई है तो दैट वॉज जोरा सहगल. एंड आई थिंक हर लाइफ शुड बी सेलिब्रेट. मैं एक्चुअली मैंने जो पढ़ा, मैं बहुत प्री रिलीज में काफ़ी टाइड अप था. लेकिन मैंने पढ़ा था, आई थिंक इट्स अ वेरी इनकरेजिंग बजट एंड इट्स अ बजट फॉर द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ इंडिया. अच्छा ही रिस्पॉन्स उससे कर रहे हैं. फर्स्ट मूवी है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, खुशी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यूजली मुझे हर टाइम मैं इन टच रहता हूँ कि क्या हो रहा है, पर इस बार नहीं हुआ क्योंकि आज मैं इतना भागदौड़ लगा था कि आई डिड नॉट सी. मुझे शायद कल सुबह पेपर से पता चलेगा कि कैसा बजट है, क्या हो रहा है. सो आई कांट कमेंट ऑन दैट. इट्स सच अ स्वीट फिल्म. बहुत 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 मज़ा आया एंड आई फील लाइक आलिया एंड वरुण आर अनबिलीवेबल. बहुत ही प्यारी सी फिल्म है एंड आई होप दैट पीपल गो एंड वॉच इट. वेरी वेरी इंजॉयबल. आई हर्ड अबाउट दैट, यस. वेरी सैड, शी वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो इट्स अ sad thing to happen today. Yeah.